फरवरी 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਲੇਡੀ ਰਾਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਊ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਅਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਹਿਲਾ ਵਕੀਲ, वो राहिला वकील का परिवार गरुंडा करनाल के रहने वाले थे। उसके फादर 2007 में यहाँ समझौता ब्लास्ट में एक्सपायर हो गए थे, बम हादसे का शिकार हो गए थे। उनको ये डाउट था कि हमारा फादर जिंदा है, लेकिन वो मैंने 90 जेलें उनकी तलाश की थी, तो लास्ट में NIA ने मुझे कहा था कि लेटर भेज के ये एक्सपायर हो चुका है। तो वो जो दूसरे विटनेस जो उसके अंदर थे उनकी किसी की गवाही नहीं हुई थी। जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर डिफेंस क्लोज हो गया है और गवाही का मौका खत्म हो गया है, तो वो लोगों ने मेरे से बात की, कहा कि हम गवाही देना चाहते हैं। वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने भी उन लोगों की कोई मदद नहीं की। कैसे कॉन्टेक्ट किया था? क्योंकि यहाँ पर जो उनको सम्मन भेजे गए वो डिप्लोमेट चैनल से भेजे गए, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको ये इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी वहाँ गवाही है। उन्होंने मुझे बताया तो वो यहाँ करके अपनी गवाही देना चाहते हैं, और उनका कहना ये है कि हो सकता है कि ये लोग जो पकड़े हुए हैं ये बेकसूर हों, और क्योंकि उन लोगों ने उनको देखा था, तो उनका कहना यह कि हो सकता है ये बेकसूर हो, या हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ किया हो, तो वो अपने आंखों से देख करके यहाँ आके गवाही देना चाहते हैं। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट से यही गुजारिश की है कि भाई हमें गवाही का मौका दें। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बहुत अच्छी तरीके से सुनवाई की है, हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल कोर्ट के कि उन्होंने अच्छी तरीके से सुनवाई की है, और ये अब NIA और जो डिफेंस के काउंसिल हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। 14 तारीख को इस पर दोबारा इस पे आर्गुमेंट होगी। आपको एडवोकेट है राहिला वकील का, मैं कंपेंसेशन केसेस में मैं वकील हूँ, और उन्होंने मुझे मेल के माध्यम से आज मुझे मेल भेजा है कि हम वो गवाही देना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन लगाई जाए, तो मेल के माध्यम से वो मेल मैंने ऑनरेबल कोर्ट को दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हमारा कहना तो ये है हम असीम आनंद या इसके साथियों के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने ना किया हो, ये बेकसूर हो, तो वो देख करके तसल्ली करके सेटिस्फाई होना चाहते हैं और ऑनरेबल कोर्ट में गवाही देना चाहते हैं। हम स्पेशल किसी के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं, देखिए ब्लास्ट कहीं भी हो, भारत में हो, पाकिस्तान में, या दुनिया किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, कहीं भी ब्लास्ट हो, ब्लास्ट में एक आदमी मरता है, इंसान मरता है, और इस ब्लास्ट में हमारे 5 भारतीय भी मरे हुए हैं। तो परिवार जी जो राहिला है उन्होंने जो अर्जी लगाई है, आपने कहा उनके पिता की भी इसमें जो है वो यस, तो वो उन्होंने केवल अपने अपने गवाही के लिए या और कोई लोग पीड़ित नहीं, 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 जो आई विटनेस वहाँ मौजूद थे वो कह रही है कि मैं सारे आई विटनेस जितने भी थे सब आना चाहते हैं, उनकी बात हुई है। इससे पहले 3 बार उन्हें सम्मन किए गए थे, उनको कोई सम्मन नहीं मिला। अच्छा, उन्हें सम्मन नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ हमारी NIA ने बहुत अच्छी सर्विस की, NIA को सलूट है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, और उन्होंने प्रॉपर चैनल से उनको सम्मन भिजवाया है, लेकिन वो सम्मन वहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। उनका कहना ये है, वो लड़की एक्सीडेंट के वक्त आई थी, डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए मौके पे उस ब्लड सैंपल दिए थे उसने, जो और मौके गवाह एक बच्चा है अनिल समी जिसका मुंह जल गया, दोनों हाथ कट गए, उसका फादर और ब्रदर इसी में एक्सपायर हो गया, वो आना चाहता है। राणा शौकत अली जिसके 5 बच्चे थे वो यहाँ पर गवाही के लिए आना चाहता है, तो उनको एक मौका देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक बार और कि देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या टेंशन चल रही है, कल को उन लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि हमें गवाही देने का मौका नहीं दिया। आपने कोई सुरक्षा की मांग की है क्या अदालत से या किसी तरीके की अपने एप्लीकेशन? नहीं, मुझे अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कोई खतरा नहीं है, मेरे भाई हैं, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। 13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ,
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਸਪਟੰਬਰ 2019 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9253 9253।